पूरे उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को गरीब कल्याण दिवस के रूप में मनाया गया, जिसको लेकर बरेली में नवल्टी चौराहे के पास स्थित राजकीय संकेत विद्यालय में गरीब कल्याण दिवस पर मेला का आयोजन किया गया, जिसमें बरेली सांसद संतोष गंगवार, जिलाधिकारी नीतीश कुमार, CDO चंद्रमोहन गर्ग और जिला प्रोबेशन अधिकारी नीता अहिरवार समेत समाज कल्याण विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान गरीब कल्याण दिवस में अलग अलग विभागों में लाभान्वित होने के लिए बड़ी संख्या में लाभार्थी शामिल हुए। महिला बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना समेत कई योजनाओं के लाभार्थियों को सांकेतिक रूप से लाभान्वित किया गया। इसके अलावा समाज कल्याण और दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा पेंशन, ट्राइब साइकिल और विवाह अनुदान समेत कई योजनाओं से लाभार्थियों को सांकेतिक तौर पर लाभान्वित किया गया। साथ ही कंप्यूटर में दक्षता हासिल करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। साथ ही जिले के हर ब्लॉक पर नोडल अधिकारियों द्वारा गरीब कल्याण मेले का आयोजन कराया गया, जिसमें कई विभागों की योजनाओं के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित किया गया। इस मौके पर योजनाओं का लाभ मिलने से लाभार्थी खासे खुश नजर आए। कार्यक्रम में मौजूद सांसद संतोष गंगवार ने कहा कि समाज कल्याण मंत्रालय जनता के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। अगर कोई पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित है तो तत्काल विभाग से संपर्क करें और योजना का लाभ उठाए। बहुत खुश हैं सर, और क्या, 10 साल में अब मिला है। 10 साल पहले तक कुछ साधन नहीं था, वो लारी पे चलते थे। यहाँ पे आज माननीय सांसद जी आए थे, जिनके द्वारा हमें आज चपलसी का ये सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और मैंने इसमें ए ग्रेड पाया है। थैंक यू सर। आज कम से कम 110 लाभार्थियों को हम लोगों ने वितरण कराया है, जिसमें विभिन्न विभागों ने सहभागिता की है। इसमें दिव्यांग कल्याण विभाग की ओर से 44 लोगों को उपकरण बांटा गया है। विधवा निराश्रित पेंशन की ओर से यहाँ पे 10 लाभार्थियों को वितरण किया गया है। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित पारिवारिक लाभ योजना अंतर्गत 10 लाभार्थियों को, वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत 10 लाभार्थियों को, इसके अलावा शादी अनुदान योजना अंतर्गत जो सामान्य जाति, पिछड़ा जाति, अनुसूचित जाति और माइनॉरिटी सेक्शन में आते हैं उनके लिए 50 लाभार्थियों को आज हमने माननीय सांसद जी की तरफ से, माननीय जिलाधिकारी की तरफ से, मुख्य विकास अधिकारी की महोदय तरफ से, श्री PP सिंह की तरफ से, इन सब की तरफ से हमने आज वितरण कराया है सैकांतिक, इसको सिंबॉलिक रूप में, ताकि जनता को पता चले कि हमारे विभाग इस जनपद में क्या काम कर रहे हैं। अब भी समाज कल्याण मंत्रालय बहुत से तरीकों से पैसा देने का और सहयोग करने का काम कर रही है। आज यहाँ पर हुआ कार्यक्रम इस बात का प्रमाण। मैं आपके माध्यम से सभी जनपद के श्रोताओं को कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी विकलांगता किसी में है तो तुरंत संपर्क में आए, जो सरकार के द्वारा सहयोग हो सकता है वो किया जाएगा।